कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की कि वह इस पद के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे। वहीं राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे तीसरे उम्मीदवार के रूप में उभरे हैं। गहलोत ने गुरुवार को लगभग 90 मिनट तक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। उन्होंने रविवार को अपने खेमे द्वारा दिखाई गई अभूतपूर्व अवज्ञा के लिए सोनिया गांधी से माफी मांगी। उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की भी पेशकश की। गहलोत के पीछे हटने और माफी मांगने के बाद, जिसे गांधी परिवार अपने गौरव को बचाने के रूप में देखा जा रहा है, पार्टी सूत्रों ने कहा कि नेतृत्व के मौन आशीर्वाद के साथ एक तीसरे उम्मीदवार के रूप में उभरने की संभावना है। हालांकि अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन कहा जाता है कि खड़गे दौर में नए चेहरे के रूप में उभरे हैं। खड़गे के करीबी सूत्रों ने पहले संकेत दिया था कि वह चुनाव लड़ने के खिलाफ नहीं है, लेकिन सोनिया गांधी के निर्देश पर ही आगे बढ़ेंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा पर चुनाव लड़ने के दबाव को लेकर पार्टी हलकों में भी चर्चा थी। गुरुवार की देर रात सोनिया गांधी गाड़ी से प्रियंका के घर गई और एक घंटे से अधिक समय तक उनके साथ रही। इस बीच पार्टी के G23 के कुछ नेताओं ने मुलाकात की। हालांकि गहलोत के सार्वजनिक रूप से पार्टी प्रमुख से माफी मांगने के बाद उनके कट्टर प्रतिद्वंदी सचिन पायलट ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। जब AICC महासचिव KC वेणुगोपाल ने कहा कि राजस्थान पर निर्णय एक या दो दिनों में लिया जाएगा। पार्टी सूत्रों ने बताया कि रविवार को जयपुर में हुए विद्रोह के बाद गांधी परिवार के वर्चस्व का अधिकार दांव पर लगा था। पार्टी के एक नेता ने बताया कि गहलोत को दिल्ली आने के लिए सार्वजनिक रूप से सोनिया गांधी से माफी मांगी और राजस्थान में अपने उत्तराधिकारी की पसंद को उन पर छोड़ दी। आलाकमान ने अपना अधिकार फिर से स्थापित कर लिया है। बैठक के दौरान गहलोत ने सोनिया गांधी से कहा, जयपुर में रविवार को हुई घटनाओं से निराश और आहत है। वहीं अपने दिल्ली स्थित घर पर इंतजार कर रहे सचिन पायलट ने सोनिया गांधी के साथ घंटे भर की मुलाकात की। राजस्थान के लिए नेतृत्व की योजना के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, राजस्थान के संबंध में जो भी सकारात्मक निर्णय लेने होंगे कांग्रेस अध्यक्ष लेंगे। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद गहलोत ने कहा कि रविवार को हुई घटना ने हम सभी को झकझोर कर रख दिया। देश भर में एक संदेश गया कि मैं मुख्यमंत्री के रूप में रहना चाहता हूं और इसलिए यह सब हुआ। मैंने सोनिया गांधी से माफी मांगी है, मुझे खेद है। उन्होंने कहा कि चूंकि मैं CLP नेता और मुख्यमंत्री हूं और मैं उस प्रस्ताव को पारित नहीं कर पाया, जो भी कारण हो यह मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। पहली बार हमारे अनुरूप एक प्रस्ताव पारित नहीं किया जा सका, मुझे जीवन भर इसका पछतावा रहेगा, मैंने सोनिया जी से कहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।